नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर टरबाइन बनाने वाली कंपनी का है, कंपनी पर कर्जा नहीं है। शेयर पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, एक वर्ष में 107% का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। दूसरा शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है, शेयर के दाम 9 रुपये से भी नीचे है, यानी पेनी शेयर है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ब्रेकआउट हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में है, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हुए हमारे एक, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात करते हैं हम पहले त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के शेयर की बात करते हैं। त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड मुख्य रूप से बिजली उत्पादन उपकरण और समाधान के निर्माण और आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। ट्रांसमिशन बिजली करती है, पैदा भी करती है और उपकरण भी बनाती है। उत्पाद पोर्टफोलियो और सेवाएं देख लेते हैं। कंपनी के पास उत्पाद पोर्टफोलियो में 1 से 100 मेगावाट क्षमता वाली विभिन्न प्रकार की टरबाइनों की एक विस्तृत श्रृंखला है। यह चीनी, सीमेंट, रसायन, कपड़ा, पाम ऑयल, पेपर, स्टील, बायोमास पावर, डिस्टिलरी, अपशिष्ट से ऊर्जा, कार्बन ब्लैक, तेल और गैस, खाद्य, जिला हीटिंग और रक्षा जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए टरबाइन बनाती है। सभी प्रकार के उद्योगों के लिए टरबाइन बनाती है। यह टरबाइनों के अपने बेड़े के साथ साथ अन्य टरबाइनों और अन्य रोटेटिंग उपकरणों जैसे कि कंप्रेसर, रोटर आदि के लिए भी आफ्टर मार्केट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। आफ्टर मार्केट 30 से 100 मेगावाट के बाजार में शीर्ष 3 समाधान प्रदाताओं में से एक है। बड़ा नाम है इसका, त्रिवेणी टरबाइन का। FY23 में कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय API बाजारों में और अधिक प्रगति की है। इसमें सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज डिजाइन वाली ऊर्जा कुशल ड्राइव टरबाइन शामिल है। कर रही है, अभी उसका हिस्सा बहुत कम है, 2023 में स्टार्ट की थी इसने। जून 2023 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 1405 करोड़ थी, जिसमें 43% हिस्सा आफ्टर मार्केट का है। कंपनी ने स्टीम टरबाइन की असेंबली और टेस्टिंग की क्षमता 150-180 मशीनों से बढ़ाकर 250-300 मशीनें प्रति वर्ष कर दी है। मार्केट कैप 25,297 करोड़ है। बुक वैल्यू 30 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.33% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 38.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, 28.5% है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 20.10% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है। सीमेंस, ABB इसकी पीयर कंपनी है, दोनों ही 114 की पी पर मिल रही है। त्रिवेणी टरबाइन है जो वो 88 की पी पर है। यह कम नहीं है इनसे किसी भी लिहाज से, बहुत अच्छी कंपनी है त्रिवेणी भी। हम Q1 FY25 के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, जून 2023 और जून 2024। सेल है जो 376 करोड़ से 463 करोड़ हो गई। OPM 19% से 21% हो गया। नेट प्रॉफिट 61 करोड़ से 80 करोड़ हो गया। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में ही अच्छी इंक्रीज है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। इसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 और इसके अलावा TTM भी देख लेते हैं जो 30 जून तक का है हमारे पास। सेल है जो 1248 करोड़ थी FY23 में, FY24 में 1654 करोड़ और TTM 1741 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 256 करोड़ था FY23 में, FY24 में 358 करोड़ हो गया और TTM 387 करोड़ हो गया। रिजल्ट चाहे क्वार्टरली हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, बहुत अच्छे पेश कर रही है।
इंक्रीज है, ग्रेजुअल इंक्रीज है, तो इनमें रिस्क बहुत कम होता है। पैरामीटर चेक करते हैं, 3 वर्ष में सीएजीआर सेल ग्रोथ 33% है। 3 वर्ष में सीएजीआर सेल ग्रोथ है जो वो 33% है, और प्रॉफिट ग्रोथ है 31% की। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज है जो वो 22% है। सीएजीआर प्राइस ग्रोथ, स्टॉक प्राइस ग्रोथ 68% है, जो एफडी पे 6 या 7% होते हैं। शेयर कैपिटल 32 करोड़ है, रिजर्व 928 करोड़ के हैं, बोरिंग 3 करोड़ है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कर्ज मुक्त है, इन्वेस्टमेंट ही है 458 करोड़ की कंपनी की, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कहेंगे इसको हम। प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.84% है, बहुत अच्छी इक्विटी है उनकी, अच्छी भागीदारी है। FII 27.51%, DII 12.33%, यानी कि 39.84% क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है, जिनका काम ही एक ही है कि अच्छी बैलेंस शीट की स्टडी करके, उसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर की देख के, कंपनी की पिछले 10 साल की, 5 साल की हिस्ट्री देखने के बाद वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका काम ही सिर्फ यही है। तो उनकी 39.84% की इक्विटी का होना एक बहुत बिग पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। पब्लिक के पास तो केवल 4.32% की इक्विटी है। शानदार बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, ऋण मुक्त कंपनी है। शेयर के दाम 795 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 843 रुपये और 312 रुपये है। EPS 9 रुपये 7 पैसे है, PE 88 है, जबकि सेक्टर PE 118 है और इसकी पीयर कंपनीज भी 114 की PE पर मिल रही है। शेयर के दाम हम उचित ही कहेंगे, ठीक है ना, महंगे है ना, हम ये भी नहीं कह सकते कि डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। इस शेयर में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है, 850 रुपये तक जल्दी जा सकता है, ऐसे बाजार में आवाज़ें आ रही हैं। शेर खान ने खरीदना टैग के साथ 870 रुपये का टैग दिया हुआ है। 6 विश्लेषक इसको कवर कर रहे हैं और 5 स्ट्रॉन्ग खरीदना, 1 खरीदना के पक्ष में है, बेचने के पक्ष में कोई भी नहीं है, यानी कि पसंदीदा शेयर है ये विश्लेषकों के भी। 3 महीने में 26%, 1 साल में 107%, 3 साल में 375%, 5 साल में 681% का रिटर्न दिया है, अगर किसी ने रखे होंगे 5 साल तो। 1 वर्ष का पूर्व अनुमान है जो 852 रुपये है और 5 वर्ष का 1575 रुपये है। ये एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दिया गया है। हमारी टीम का अनुमान है यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप स्वयं से जांच करके कीजिए। 2 वर्ष में यह 1500 रुपये तक इजीली जा सकता है, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। तो दोस्तों, दूसरा शेयर है हमारे पास जो, वो एक पेनी शेयर है। मार्केट में स्टॉक बेस्ड एक्शन ही हो रहा है, अदरवाइज तो मार्केट तो बड़ी डोलड्रम है, कभी नीचे की ओर ही जा रही है। उस स्टॉक में न्यूज आ रही है, एक पेनी स्टॉक है जिसमें अपर सर्कल लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पेनी शेयर PBB इंफ्रा लिमिटेड में शुक्रवार को 5% का अपर सर्कल लगा है। PBB इंफ्रा लिमिटेड में शुक्रवार को 5% का अपर सर्कल लगा है। PBB इंफ्रा लिमिटेड एक MSME है और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में है। यह कंपनी बहुमंजिला बिल्डिंग्स बनाने के साथ आवासीय भवनों के निर्माण करती है। इसके अलावा कंपनी के डुप्लेक्स रेजिडेंशियल में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स से लिया ये मैंने न्यूज़। तो PBB इंफ्रा लिमिटेड के क्लाइंट्स के बड़े नाम हैं, जिनमें LNT, NCC, NTPC, MCL, NPPC एंड इरकोन कोल इंडिया आदि हैं। PBB में बायर्स आ रहे हैं, बायर्स लगभग 1 वर्ष बाद काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। दाम
8 रुपये 37 पैसे है, 52 बी का हाई एंड लो 17 रुपये 92 पैसे और 6 रुपये 37 पैसे है। ईपीएस 1 रुपया 37 पैसे है, पी 6 है, सेक्टर पी 41 है। सेक्टर पी 41 है, आप अंदाजा लगाइए कि 6 की पी पर मिल रहा है तो थोड़े बहुत देर के लिए रखने पड़ेंगे, अदरवाइज पैसा तो दे के ही जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 10 रुपये 3 पैसे है, 9 रुपये का शेयर है, 9 रुपये से भी नीचे का और 10 रुपये 3 पैसे इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि इसके पास असेट्स तो हैं, अच्छी खासी असेट्स हैं कंपनी के पास, कोई डर वाली बात नहीं है। दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्फ्रा के शेयर में 3 महीने के रिजल्ट्स पर कोई डिसाइड भी नहीं करना चाहिए। 3 महीने में क्या इन्फ्रा के, कंपनी अदरवाइज प्रॉफिट में है, अच्छी कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.05% है, कर्ज मुक्त है, आरओई 6.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। प्रमोटर जो होल्डिंग 26.65% है, जो थोड़ी कम है। एफआईआई की भी एंट्री है 0.09%, पब्लिक के पास 73.27% शेयर है। 1 मंथ में 4% और 1 साल में 24% का रिटर्न दिया है, फिर भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। 3 साल में 24% का रिटर्न दिया है, तो कोई भी विश्लेषक इसको कवर नहीं करता। 3 साल में इसने 209% का रिटर्न दिया है, कोई भी विश्लेषक इस शेयर को कवर नहीं करता। इस शेयर के फंडामेंटल अच्छे, रिटर्न ऑन इक्विटी और कर्ज मुक्ति का होना, ये सभी प्लस पॉइंट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहें तो थोड़े बहुत शेयर आप रख सकते हैं, 1000-2000 रुपये के 4000 रुपये के कम से कम, मतलब वो भी स्वयं से जांच करके। थैंक यू वेरी मच।